संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में दिनशा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों के साथ अपर कामगार आयुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। कामगारों के आर्थिक शोषण पर शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने सहायक कामगार आयुक्त निशा नगरारे को निवेदन देकर बताया कि कंपनी स्थापना से लेकर आज तक काम करने वाले कामगारों का लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कंत्राटी एवं स्थायी कामगारों को नियम अनुसार की मान वेतन, ओवरटाइम भत्ता, वार्षिक देय अवकाश वेतन, उचित बोनस नहीं मिलने का आरोप तिवारी ने लगाते हुए कहा कि अपना हक मांगने पर कंपनी व्यवस्थापन लोकल गुंडों व असामाजिक तत्वों के साथ मिलीभगत कर कामगारों पर दबाव डालकर उनका आर्थिक शोषण कर रहा है। शिवसेना ने यथाशीघ्र व्यवस्थापन की बैठक लगाकर प्रशासन द्वारा कामगारों को न्याय दिलवाने की मांग की, अन्यथा तीव्र आंदोलन की चेतावनी तिवारी द्वारा दी गई। शिवसेना के प्रतिरक्षण में कामगारों को संगठित कर कामगार कार्यालय व उद्योग भवन के द्वारा कंपनी स्थापना दिन से लेकर अब तक का बकाया पैसा शिवसेना द्वारा कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को दिलवाने का आश्वासन तिवारी ने दिया। अधिकारी निशा नगरारे ने प्रशासन की विफलता को स्वीकार करते हुए कहा कि अब तक कार्यालय द्वारा कंपनी के कामगारों के प्रति उदासीनता के चलते कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन तत्काल व्यवस्थापन की बैठक लगाई जाएगी एवं मुख्य कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर कंपनी को निरीक्षण भी दिया जाएगा और अब तक के कामगारों के आर्थिक नुकसान की डिमांड बनाकर लेबर कोर्ट को दी जाएगी। इस अवसर पर शहर प्रमुख दीपक काप से सचिव मुन्ना तिवारी, कामगार नेता संपत राव वड़े, कमलेश त्रिपाठी, अब्बास अली, आशीष हाड़गे, ललित बावनकर, सोनू शेख, दीपक सेडाम, बबन कोडापे के साथ सैकड़ों कामगार उपस्थित रहे। आज अपर कामगार आयुक्त कार्यालय सिविल लाइन नागपुर में हमने कामगारों की समस्या, कामगारों के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये हमेशा से तैयार रही है और आज जिस प्रकार जलती मशाल की तरह इन कामगारों की जलती हुई समस्याओं को लेकर हमने कामगार ऑफिस में दस्तक दी। दिनशा डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड के कामगार, सैकड़ों कामगार यहां पर है। दिनशा कंपनी में कामगारों का आर्थिक मानसिक शोषण हो रहा है, वहां स्थायी कामगारों का लगातार शोषण हो रहा है। कंत्राटी कामगारों की संख्या डिसाइड नहीं है, कंत्राटी कामगारों को उनको उचित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है, कंत्राटी कामगारों से ओवर टाइम काम कराया जा रहा है, नियम किमान वेतन नहीं दिया जा रहा है, छुट्टियों में लफड़ा है और उसके बाद पीएफ में लफड़ा है। इस प्रकार से स्थायी कामगार और कंत्राटी कामगारों का दिनशा कंपनी इन कामगारों की शिकायत आने के कारण उनके यूनियन के माध्यम से जानकारी उनका शोषण कर रही है। हमने कंपनी से वार्तालाप करने की कोशिश की परंतु कंपनी ने हमारी पत्र का जवाब नहीं दिया। आज कामगार ऑफिस कार्यालय में हमने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से, आदरणीय नितिन पाटनकर साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में आज उनको संज्ञान में लाया। आज मैनेजमेंट को कंपनी ऑफिस ने बोला है, आज लेबर कमिश्नर ऑफिस ने, कि तुरंत मैनेजमेंट की दो दिन में बैठक लगाएगी। यहाँ 7 दिन का अल्टीमेटम इन कामगारों के माध्यमों से हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के अंदर इन कामगारों की समस्याएं नहीं निदान हुई तो दिवाली है, ये दिनशा के व्यवस्थापन ने समझ जाना। कंपनी बंद होगी, आंदोलन होगा, जो भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदार व्यवस्थापन रहेगा, क्योंकि आपके साथ पत्राचार किया गया है, क्योंकि कामगारों के साथ, ये नागपुर का कामगार है, इसके साथ अत्याचार नहीं होगा, ये शिवसेना की जिम्मेदारी है। आदरणीय उद्धव जी के मार्गदर्शन में ये पूरा महाराष्ट्र कामगारों के लिए खड़ा है। आज यहाँ चेतावनी देता हूँ, नहीं तो जलती मशाल की जैसे ये कामगारों की समस्याएं जल रही है और इसलिए उनका निदान अत्यंत आवश्यक है। और आज 7 दिन का अल्टीमेटम शिवसेना के माध्यम से यहाँ दिया जा रहा है कि कामगारों का निदान। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।